माय चैनल लान वीत किरू। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे जहाँ से हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 100 क्वेश्चन करेंगे जो आशीष सरोवर सर के द्वारा आरआरबी के लिए स्पेशल चेकलिस्ट दी गई है उसके मेंस के सॉरी अर्थमेटिक के क्वेश्चन। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पी है ना एक पीस ऑफ वर्क को कर सकता है एक्स डेज में, ठीक है, पी एक्स डेज में कर सकता है। क्यू सेम काम को एक्स प्लस 4 डेज में कर सकता है। आर उसको x माइनस 4 डेज में कर सकता है, ठीक है। क्यू एंड आर है ना दोनों मिलकर उसको 7.5 दिन में कर सकते हैं। तो कहते हैं कि कितने टाइम में है ना जो आर पी है वो अकेला करेगा। तो एक बात बताओ, हमें पता होता है कि ये जो टाइम है तो टाइम को हमने मान लिया कि वर्क कितना है 1 है, तो टाइम मतलब वर्क को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, इफिशियंसी मिल जाती है। तो जैसे P की इफिशियंसी होगी 1/x, Q की होगी 1/x प्लस 4, R की होगी 1/x माइनस 4, ठीक है, यही होगी। तो हम कह सकते हैं ना कि 1/x प्लस 4 प्लस 1-x माइनस 4 Q और R की जो इफिशियंसी का रेसिप्रोकल वही उनके जो टाइम के बराबर है उसके बराबर होगा। जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे ना वहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 16, ठीक है। अब मैं आपको इसका मैनुअल सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ, एक मिनट। हाँ देखो, ये रहा कि p था, q था, ये r था, ये दे रखा था, दोनों मिलकर इसको 7.5 दिन में कर रहे थे, ये इसके बराबर आया, इसको हमने ऐसे सोल्व किया तो ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमारे पास एक माइनस में वैल्यू है, एक प्लस में, तो प्लस में ही लेंगे, टाइम थोड़ी ना नेगेटिव जाएगा, काम करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। तो पी की वैल्यू आ गई 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 420 किलोमीटर, देखो ये बोट है, ठीक है, जब ये नदी के साथ साथ बहेगी मतलब खुद की स्पीड और नदी की स्पीड तो बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, लेकिन बोट इधर जा रही है, नदी इधर जा रही है, तो उसे बोलेंगे अप स्ट्रीम, ठीक है। तो इसने बोला कि द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू 420 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक 420 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम, कम बैक आने में उसने 17 घंटे लिए। ओके, इफ़ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 42.85%, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 42.85% है ये, ठीक है, कि है ना वो इतना परसेंट टाइम लेती है किसका, मोर देन द अप स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम में वो जो टाइम ले रही है ना डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना वो 42.85% ज़्यादा है किससे, अप स्ट्रीम स्पीड से। एक टाइप से कहें तो हमें यहाँ पर रेशियो बता दिया किसका, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का, यही बताया है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं 42.85% को, देखो 42.85% दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं, वैसे अगर नॉर्मली इसको काट करें तो 7.15, अगर हम 50% से लेस कर देते हैं तो भी आ जाता है ना, ठीक है। तो देखो हम इसको करेंगे क्योंकि जो हमें पता है कि जो 14.28% होता है वो हमारा 1/7 के होता है, तो ये उसी का ही तो 3 गुना हो रहा है, जैसे 14 + 7 = 14, 28 + 14 = 42, ठीक है, 3/7, ठीक है, तो इससे ये ज़्यादा है, मतलब क्या कह सकते हैं 7/ देखो इसको हम लिख क्या सकते हैं कि जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड है उसका रेशियो क्या होगा 10/7, क्योंकि 14.28% हमारा 1/7 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास वाई जो अप मतलब स्ट्रीम है और जो एक्स है जो बोट है उसकी स्पीड का रेशियो आ गया 3/70, ठीक है। इसको हम किसी भी वेरिएबल में मान सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, हमने मान लिया ये 3 यूनिट है, ये 17 यूनिट है। तो अब हमने देखा था कि 420 अपॉन में पहले डाउन स्ट्रीम था तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, वही, और इसको घटाएंगे तो देखो ये आएगा 17 और 3 20, ठीक है, और प्लस में 420 को और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 14 यूनिट, तो ऐसे करेंगे ये उसके 17 के बराबर आएगा, इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसने फिर पूछी क्या है हमसे, इसने पूछा है हमसे कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 408 किलोमीटर को स्टील वाटर में कितने टाइम में करेगी, तो एक्स की वैल्यू आ गई तो हमारे पास स्टील वाटर की वैल्यू भी आ जाएगी, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसका मैनुअल सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, एक मिनट, देखो ये हमें दे रखा था, यहाँ से हमने सोल्व किया इसको कि अप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो था ना कि वो उससे 42.85% ज़्यादा था,
तो उसको हमने लिख दिया था कैसे कि भाई 14.28 1/7 के बराबर तो उसका 3 गुना, ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया था, इसको हमने यहाँ से सोल्व किया, ठीक है। स्टील वाटर में उसकी स्पीड आ गई, फिर ये आने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने स्टील वाटर की स्पीड निकाली, उससे हमें क्या निकालना था, डिवाइड करके ये बताना था कि इतने टाइम में उसको कवर करेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है कि 53 2% राम एंड मोहन, ठीक है, राम है मोहन है, वो एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट होते हैं ए और बी पॉइंट से। स्पीड है राम की वो 25 है और मोहन की 35 है, और इसने बोला वो सेम टाइम पर एक दूसरे की तरफ है ना स्टार्ट होते हैं चलना, तो एक टाइप से कहें तो टाइम क्या है, कॉन्स्टेंट हो गया ना, कि वो उतने सेम ही घंटे चलेंगे, तो मतलब जब टाइम कॉन्स्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यही होता है। तो हम कह सकते हैं 25/35 को हम स्पीड करें, पापा 5×7 = 35, मतलब ये 5x ये 7x होगा किसका, डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है, यही होगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, दोनों का डिफरेंस ये बता रखा है कि जो टाइम थी मतलब जो डिस्टेंस थी वो, लेकिन वो तो 40 किलोमीटर थी, मतलब 5x और 7x का डिफरेंस कितना होता है 2x, मतलब 40 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और वैसे टोटल डिस्टेंस कितनी थी भाई 5x और प्लस 7x मतलब 12x, 12x की x की जगह पे 20 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 240, ठीक है। इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैनुअली, एक मिनट, हाँ देखो क्या दे रखा है हमें कि राम एंड मोहन था एक दूसरे की तरफ चल, दो तरीके से कर रखा है मैंने यहाँ पे, देखो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के क्योंकि टाइम सेम है, ठीक है, तो यहाँ से ये आया दोनों का डिफरेंस 2x है लेकिन वो तो 40 बता रहा है, तो मतलब x की वैल्यू 20 आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 5 और 7 = 12, 12 मतलब 220, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा क्या वे है भाई, हमें पता है कि डिस्टेंस को जब हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है, ठीक है, तो डिस्टेंस को टोटल स्पीड से डिवाइड कर दिया, लेकिन स्पीड का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा टाइम होगा, लेकिन टाइम क्या बता रहा है, कॉन्स्टेंट बता रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे हम यहाँ से सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 20 आती है और डिस्टेंस हमारे पास 240 आती है, तो दोनों तरीके अच्छे हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप वो ट्राई कर सकते हो, ओके। 54 में क्या दे रखा है, इफ़ ए शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 60% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब उसको मार्क किया जैसे CPI इस पर मार्क किया 60%, मतलब 160 हो गया MP एक्स में, फिर इसने बोल दिया एंड सोल्ड करता है 15% प्रॉफिट पे, तो SP कितना आ गया 115x, लेकिन उसने तो ये भी बोला कि दो डिस्काउंट दिए थे 20% और 208 का, ठीक है, तो इससे भी तुम्हारे पास एक SP आ जाएगा भाई, SP कैसे 160 MP था उस पर, एक बार तो 20% कट 20% 2500 मतलब 4/5 वैल्यू आई, और एक 128 का दिया, मतलब ये जो आए ना कितना आएगा इससे 5 × 2 = 15, 5 × 10 = 4, 4 = 12, 128x आया, इसमें से 208 का और डिस्काउंट दिया वो घटा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस हमें बताना है, तो एक बात बताओ हम, एक तरफ तो हमारे पास SP 115x आ रहा है लेकिन एक तरफ हमारे पास SP है ना 128x माइनस का 208 आ रहा है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू 16 आ गई। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस था 60x क्योंकि मार्क प्राइस किया था ना हमने 60% अबोव द कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसकी दर हम 16 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 960, ठीक है। अब इसका मैनुअल सॉल्यूशन देख लेते हैं, हाँ तो देखो क्या दे रखा है, ये CP था, इस पर 60% अबोव किया तो MP आया, 15% का प्रॉफिट हुआ तो CP पे होगा, तो मतलब 115 है, लेकिन 20% का डिस्काउंट दिया एक बार 208 का, तो SP1 क्या आ जाएगा हमारे पास 160 मार्क प्राइस पे हमने डिस्काउंट दिया था, ये वैल्यू है, इसमें से 208 हमने और घटा दिए जो डिस्काउंट दिया था, तो ये लेकिन एक तो ये SP बोलता है एक ये SP बोलता है, तो क्या होगा दोनों SP एक दूसरे की क्रिएट हो जाए, यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना है 60, तो हमारे पास आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्या दे रखा है 55 का, क्या कहता है कि जो एवरेज वेट है ना 18% का, मतलब टोटल वेट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इतना आ गया, इसमें से कहता है 6 नए पर्सन आते हैं ग्रुप में, तो 6 नए पर्सन का हमें नहीं पता, तो हमने 6x मान लिया, भाई x वेट क्या है 6%, तो टोटल वेट हो गया 6x, तो एवरेज वेट 1 kg से बढ़ गया, पहले था 48 kg, ठीक है, तो मतलब अब हो गया 49, और पर्सन भी तो बढ़ गए 6, 18 कितने पर्सन थे 18 × 18 = 24, तो जब हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 52 की, ना जो नए पर्सन आए ना उनका वेट कितना है 52, ओके एवरेज वाला। अब आगे इसने बोल दिया लेकिन अब है ना कुछ पर्सन छोड़ के चले जाते कि 10% है ना लीव कर देते, तो एवरेज वेट है 4 kg से घट जाता है, तो एक बात बताओ जो टोटल वेट था 24% का वो कैसे निकालेंगे भाई, 18 का तो हमें पता ही था 18 × 48, लेकिन अब जो भी जो हमारे पास 6 नए लोग आए हैं उनका कितना है भाई 52 एवरेज है, तो मतलब टोटल, तो यहाँ से टोटल आ गया 1100 किसका,
जब 24 लोग थे लेकिन 10 लोग चले गए, तो हमने मान लिया वाई वेट के गए हैं, ठीक है, तो लोग कितने रह गए, 24 में से 10 गए मतलब 14, और एवरेज वेट क्या हो रहा है, वो हमारा घट रहा है, 45 हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 54.6। ठीक है, मैं अब आपको इसका मैनुअल सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। देखो क्या दे रखा है, टोटल वेट आया, ठीक है, 6 नए आए, तो उस टाइम पे पुराना वाला वेट और जो नए वाले आए उनका वेट अपॉन में टोटल पर्सन और जो नया एवरेज है वो यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब टोटल अगर सारे के सारे 24 के 24 लोगों का वेट की बात करें, देखो पहले वाले 18 का हमें पता था, अब जो 6 आए उनका वेट और ऐड कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास 24 के 24 लोगों का वेट आ गया, 24 के 24 लोगों का वेट आ गया। ओके, अब हमारे पास ये 24 के 24 लोगों का वेट है, लेकिन 10 जा रहे हैं मतलब वेट घटेगा, तो 10 में हमने मान लिया y एवरेज वेट के हैं वो तो घट गया, अपॉन में पर्सन भी तो गए हैं तो 14 बच गए, 24 में से 10 गए, तो ये हमारे पास है ना एवरेज घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास जो एवरेज वेट था जो लोग गए थे उनका कितना है 54.6। ओके, 54 के बाद हो गया हमारे पास 55 भी हो गया, अब आती है 56 की बारी, ठीक है। तो 56 में हमें क्या दे रखा है कि विशाल है जो टोटल ऑफ, देखो इसमें है ना इसने बताया कि एक विशाल नाम का बंदा है, उसके पास इतने रुपए हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसने है ना इन पैसों को अपने पत्नी में, अपने बेटे में, अपनी बेटी में बांटा है, और कहता है कि जो अमाउंट रिसीव थी ना सन ने वो 22.22% ज़्यादा, तो पहले तो फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, 22.22% मतलब 2/9 कि 2/9 ज़्यादा थे, मतलब 9/11 किसकी अमाउंट सन ने जो मिली है वो इतनी ज़्यादा थी जो डॉटर को मिली है, तो सन और डॉटर का रेशियो आ गया, एंड द अमाउंट रिसीव बाई वाइफ इज 27.27 का मतलब होता है 3/11, ठीक है, तो 11 पे वो कितनी ज़्यादा थी, 3 ज़्यादा थी किसकी, वाइफ की, किस से, सन से, तो मतलब वाइफ कितनी आ जाएगी 14, रेशियो आ गया हमारे पास। अब अमाउंट को हम बांट ही देंगे, आसान होता है, तो इसने पूछा क्या है, डिफरेंस बताना है जो अमाउंट रिसीव हुआ डॉटर एंड वाइफ में, डॉटर और वाइफ का डिफरेंस बताना है, एक्स में मान लो कितना डिफरेंस है इनका, 5x अपॉन में टोटल कितना, 14, 15, 10, 25, 25 और 9, 34x, और मल्टीप्लाई में जो अमाउंट दी गई है वो, ठीक है। तभी हम इसका मैनुअल सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो मैनुअल सॉल्यूशन, हाँ क्या दे रखा है, विशाल के पास इतने रुपए थे, वाइफ सन में बांटे तो ये रेशियो आ गया था, ये इनकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है जो भी परसेंटेज दी गई है, तो हमने क्या कि इन दोनों का जो डिफरेंस था वो लिया 5x, और नीचे टोटल, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें 57 का, कार्तिक के पास 20,000 रुपये है जिसमें से 40% उसने स्कीम ए में लगाए हैं 8% रेट पे 2 सालों के लिए, दो और बचे हुए मतलब 60% उसने ना बी स्कीम में लगाए हैं 8+7.5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे 2-3 सालों के लिए, अगर जो इंटरेस्ट मिला है ना स्कीम बी से वो 4700 ज़्यादा है ए से, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है, तो हम यही कर सकते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, एक मिनट, हाँ हमें क्या दे रखा है भाई, 20,000 रुपये थे, उसका 40% कितना हो जाएगा हमारे पास, 20,000 का 40%, देखो उसने 20,000 का 40% लगाया है, मैं आपको ना मैनुअली दिखा देती हूँ, उससे ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि है ना स्पेस कम है और ये अच्छे से हो नहीं पाएगा। देखो 20,000 रुपये थे, 20,000 का 40% लगाया आर की रेट से 2 साल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, यही होता है, तो ये आ गई उसकी SI, लेकिन उसने ना बचा हुआ 60% उसने लगाया है इस रेट पर 3 सालों के लिए, ओके ये आया यहाँ से SI, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 4700, तो हमने इन दोनों का जब डिफरेंस किया तो वहाँ से हमारे पास रेट आ गई 10%, यही तो पूछा इसने कि रेट क्या हो गई, ठीक है। 58 में दे रखा है मिक्सचर पी में अल्कोहल वाटर है, देखो पी है उसमें अल्कोहल और वाटर है 4-3 में, एक क्यू है उसमें अल्कोहल और वाटर है 5-2 में, यही दे रखा है, तो इसने बोला कि जो पी है ना पी उसमें जो अमाउंट है क्यू मतलब जो अमाउंट है क्यू में वो 7 ज़्यादा है किससे पी से, मतलब पी में 7 कम है, तो हमने मान लिया कि क्यू में 100x है अमाउंट, तो पी में कितनी हो जाएगी 100x-7। फिर इसने बोल दिया कि जो अल्कोहल क्यू में है ना वो 23 लीटर ज़्यादा है पी से, मतलब क्योंकि पी में 23 लीटर कम बता रहा है वो अल्कोहल, तो हम यही बता सकते हैं कैसे भाई, क्यू में जो अल्कोहल होगा वो कितना आ जाएगा एक्स का 5/7, ये कितना ज़्यादा है किससे, क्यू 100x-7 का 4/7, इससे कितना 23 के बराबर कर दिया। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास किसकी एक्स, क्योंकि हमने मानने हैं ना ये वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 1.33, ठीक है, इक्वल में आई 1.33,
तो यहाँ से पी मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगी 133, क्यू की भी आ जाएगी। अब हमें पी की क्वांटिटी मतलब पी जो पी और क्यू है ना उन दोनों में वाटर की क्वांटिटी पूछी है, तो टोटल क्वांटिटी हमें पता है, रेशियो है ही हमारे पास, निकाल देंगे। देखो मैं आपको मैनुअल दिखाती हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। देखो क्या दे रखा है, पी था ये क्यू था, ये रेशियो दे रखा था और दोनों का डिफरेंस दे रखा था हमने। मान लिया पी अगर क्यू में 100 है तो पी में 100-7 है, तो पी में अल्कोहल कैसे है भाई, जो भी पी में अमाउंट है उसका 4/7 अल्कोहल है, ठीक है, और क्यू में कितना है 5/7 है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 23 था, यहाँ से सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आई, यहाँ से पी की भी अमाउंट क्यू की भी अमाउंट, और पी और क्यू में वाटर पूछा है तो पी में वाटर है 3/7 और क्यू में वाटर है 2/7, ठीक है। तो ये ले लेंगे दोनों का सम कर देंगे, आंसर 92 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 58 था। अब आती है बारी 59 की, तो क्या दे रखा है, अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया 56,000 के साथ, ओके। तो क्या कह रखा है, अमन ने ना 56,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है और 2 महीने बाद अमन ने 6,000 रुपये निकाल लिए। फिर आदित्य आ जाता है बिजनेस में 60,000 के साथ, फिर 4 और मंथ्स बाद अंकुश आ जाता है 40,000 के साथ, 1 साल बाद टोटल प्रॉफिट बिजनेस का 23,116 था। तो डिफरेंस बताना है प्रॉफिट ऑफ अमन एंड अंकुश। तो देखो क्या दे रखा है भाई, इसने पैसा लगाया है और फिर निकाल, वो बताया ना तो 59 में अमन था, उसने 56,000 सिर्फ 2 ही महीने के लिए लगाए, फिर उसके बाद उसने 6,000 निकाले, मतलब 50,000 रह गए वो पूरे 10 मंथ्स के लिए रहे। फिर अमन के बाद इधर आदित्य भी आ जाता है, ये आदित्य है 60,000 के साथ आता है, ठीक है। तो ये कितने मंथ बाद, 2 मंथ बाद, मतलब 10 महीने के लिए आया। आदित्य के बाद अंकुश आ जाता है 4 मोर मंथ, मतलब 2 महीने पहले उसके 4 ये 6, तो 40,000 वो लेके आए बचे हुए 6 महीने के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, हम इनको सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास रेशियो आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास तीनों बंदों का रेशियो आएगा 51, 50 और 20, ठीक है, आप सोल्व कर लेना, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा है इसने, हमें इसने बोला डिफरेंस बताना है अमन एंड अंकुश का, क्योंकि टोटल प्रॉफिट इसने हमें दिया है, तो दोनों का टोटल नीचे और दोनों का डिफरेंस 31, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैनुअली देख लेते हैं, हाँ देखो कौन से पे आए हैं हम, 59 पे ना, हाँ देखो अमन आदित्य अंकुश, ठीक है। तो ये था जितनी अमाउंट लेके आए 2 महीने के लिए, फिर विड्रॉ करने के बाद ये 10 महीने, क्योंकि 2 महीने बाद आए थे, और ये 4 बोर्ड मतलब पहले 2 हो चुके तो 6 महीने बाद आए थे, तो जो कटा वो काट दिया, यहाँ से रेशियो आ गया। इन दोनों का डिफरेंस हमें पूछा क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, नीचे टोटल जो रेशियो की अमाउंट इन सब का सम वो, और दोनों का डिफरेंस 31 है वो, ठीक है। 60 में क्या दे रखा है हमें, देखो ये 59 तक हमारा हो गया, ठीक है, अभी हम 60 करते हैं। तो क्या दे रखा है, आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ विशाल एंड करण, देखो विशाल और करण की एज का रेशियो दे दिया 5 और 6, कब, 6 साल बाद, एंड द रेशियो प्रेजेंट एज है वो हमने मान लिया 6x 7x है, तो 6 साल बाद हम निकाल सकते हैं 6x+6 और 7x+6, लेकिन ये रेशियो तो ये बोल रहा है ये 5x के बराबर, तो इसकी इक्वेट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी, फिर हम एजेज निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो 8 साल बाद पूछा है, तो अभी आपको मैं 60 का दिखा देती हूँ, देखो ये इसकी प्रेजेंट थी, 6 साल बाद पूछा तो हमने इसकी 6 साल बाद की निकाल दी, रेस्ट जो हमें दे रखा था तो हमने इसकी इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, और 8 साल बाद पूछा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 60 के बाद क्या दे रखा है, 61 में क्या बोल रखा है कि द एवरेज ऑफ द 4 नंबर इज 168 के, मतलब 2 नंबर है उनका जो एवरेज है ना वो हमारे पास कितना दे रखा है, वो हमें पास दे रखा है 168, ठीक है, एवरेज। तो टोटल कितना हो जाएगा, 168 × 4, और चारों नंबर का रेशियो भी दे रखा है 6, 3, 1, 4, हमने एक्स की फॉर्म में मान लिया, तो टोटल ले लेंगे, उस टोटल से हम मतलब कितना हो गया देख लो ना, 6, 3, 9 और 1, 10, 10, 4, 14, 14, 1, तो एक्स को हमने इधर रख दिया, इसको हमने इसको काट दिया, जो भी जितना भी कट रहा था वो, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 48। अब बोला एवरेज ऑफ 2 हाइएस्ट नंबर कौन कौन से होंगे, तो 6 और 4, 6, 4, 10, 10x, तो 10x है तो 10 × x की जगह 48 आ गया, तो 480, और इसका एवरेज पूछा है तो 2 से डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया 61 का। अब बात आ रही आती है 62 की, क्या है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, मतलब एक्स की वैल्यू 9 है, वाई की वैल्यू मतलब स्ट्रीम की 3 है, एक पर्सन एक डिस्टेंस पे जाता है 84 किलोमीटर और फिर उसी पर स्ट्रेट लाइन वापस आ जाता है, तो टोटल टाइम देखो, एक बार तो जा रहा है मतलब एक तो स्ट्रीम के साथ जाएगा तो दोनों का सम 12, एक बार उल्टा आएगा तो स्ट्रीम के विपरीत आएगा, मतलब डिफरेंस दोनों का, स्ट्रीम बोट्स का और स्ट्रीम का,
तो कितना 12 5 12 5 12 7 84 6 1 6 24 मतलब 14 और 7 कितना हो गया 21 आवर। ठीक है, तरेसर में क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राघव एंड मोहित 8:9 है। ठीक है, एंड आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद क्या हो जाए भाई, ये मान लिया तो 8x+4 9x+4 लेकिन 4 साल बाद रेशियो कितना दिया है 17 और 19, तो बस वही अक्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 8, तो मोहित की 22 साल पहले पूछिए तो 9 × 8 उसमें से 22 को कटा देंगे। ठीक है, प्रेजेंट में से 22 कटा दो। अब बात आती है 64 की, ठीक है बाद में दिखाऊंगी मैं सारों का मैनुअल। 10 वर्कर है ना वुमेन, वो 14 घंटे काम करती है एक दिन में, ओके, और 8 दिन तक काम करती है और 25% काम पूरा करती है, हमने मान लिया 100x टोटल काम था तो 25x काम पूरा किया। 15 वुमेन है वो 22 घंटे काम करती हैं एक दिन में और काम को पूरा करती है डी दिन में, कौन से बचे हुए को, ठीक है तो इसकी इक्वेट कर दिए तो यहाँ से जो कट काट देंगे सिंपल हमारे पास टाइम आ जाएगा डी आ जाएगा 112/11। फिर 65 का क्या बोल रखा है, एक लेटर है उसको चूज किया गया ट्रैवलिंग से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉन्सोनेंट हो, देखो टोटल लेटर कितने होंगे हमारे पास यहाँ पे हैं 3 3 6 3 3 और 1 10, लेकिन एल है ना भाई दो बार आ रहा है तो मतलब 9 है, तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे, कॉन्सोनेंट होते हैं वोवल के अलावा मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बच गए वो हमारे पास सारे क्या हैं कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट होंगे 6, वैसे तो 7 है लेकिन एल दो बार आ रहा है तो एक बार ही गिनेंगे, तो 6/9 मतलब 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने सभी के मैनुअल देख लेते हैं, तो 61 से हाँ देखो ये पहला वाला था, ये लास्ट 50 65 तक हमने किए हैं उसी का ही है। ठीक है, तो देखो कैसे दे रखा है कि भाई एवरेज पहले वाले में वही कि टोटल निकाल लिया था रेशियो था वहाँ से एक्स की वैल्यू ये आ गया, दूसरे वाले में बोट और करंट दोनों की दे रखी थी टोटल थी, एक बार जा रहा था एक बार आ रहा था तो उससे डिवाइड कर दिया, प्रेजेंट एज थी 4 साल बाद का भी रेशियो था उससे हमारे पास एक्स की वैल्यू और 22 साल के पहले की पूछी थी। ठीक है, और ये इतने क्योंकि एक फॉर्मूला होता है याद रखना MDH/में टोटल वर्क, ठीक है मंथ मतलब सॉरी मैन जो भी है डेज और हावर एक दिन में कितना किया और टोटल वर्क, ठीक है तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मैंने किया है और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का था ही। ठीक है, तो 65 तक हमारे पास सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 65 तक हो गए। 66 में क्या दे रखा है, 66 में दे रखा है द ट्रेन, एक मिनट, द ट्रेन विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर एक क्रॉस करते एक पोल को, तो इसको हम ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले क्योंकि आंसर सेकंड में है, तो कितना होगा भाई 5/18 8 6 18 4 72 मतलब 5 6 20 आ गई स्पीड किसमें मीटर पर सेकंड में, स्पीड 20 है टाइम कितना ले रहा है वो ले रहा है 16 सेकंड पोल को क्रॉस करने में, तो इससे क्या होगा ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 320। अब इसने बोला वो ब्रिज जो 460 मीटर लंबा है उसको कितने टाइम में कवर करेगी, तो उसकी स्पीड भी हमारे पास डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया 39 सेकेंड। ठीक है, तो ये था हमारे पास 66 का क्योंकि 65 तक हो गया था ना, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ मैं। हाँ 66 देखो ये रहा, यहाँ से पहले हमने मीटर पर सेकेंड में स्पीड को कन्वर्ट किया फिर फोल को क्रॉस किया था, तो वहाँ से लेंथ आई, लेंथ मतलब जो ट्रेन है उसकी और ब्रिज की, और उसको उसकी स्पीड से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, तो ये 66 तक हो गया हमारे पास, ओके। हाँ अभी हम कर देते हैं, अभी 67 पे बात आती है, तो देखो क्या दे रखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 8 लाख और ये ना देखो 8 लाख है, पहले तो ये बड़ी वाई परसेंट से मतलब 100+y/100 से, अगले साल ये डिक्रीज हुई 15 से मतलब 85/100, और ये ऐसा करने के बाद 8 8 4 3 0 हो गई, ठीक है सॉरी मैंने मतलब 8,84,000 हो गई, तो मैं वाई की वैल्यू बतानी है बस सिंपल है ही 8 लाख मतलब, ठीक है 5 0 है ये मैंने एल वैसे लिख दिया, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू 30 आ जाएगी, मैं आपको दिखाई देती हूँ। देखो 8 लाख थी पहले वाई परसेंट से बड़ी फिर घटी 15% से मतलब 100/15/85 और इतने के बराबर थी, तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो वाई की वैल्यू 30% आ गई। 69 में क्या दे रखा है, एक पर्सन है वो इन्वेस्ट करता है एक्स इन स्कीम ए, ठीक है एक्स इन्वेस्ट करता है स्कीम ए में कंपाउंड इंटरेस्ट 15% 2 सालों के लिए, तो 15% 2 सालों के लिए तो हम वो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ से रेट आएगी 32.25%। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सी आई, ठीक है 2 सालों का। अब आगे इसने बोल दिया एक स्कीम बी है उसमें वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता है एट द सेम रेट मतलब 15% की रेट से 2 सालों के लिए सेम प्रिंसिपल लगाता है,
अब कहते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है इसका भी और इसका भी वो है 360। ओके तो हम कर देंगे इसको, तो देखो कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक आ गया था सी आई पे, बी था एस आई पे, दोनों का डिफरेंस 360 था, हमने एक्स की इक्वेट रख दिया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू। यही तो पूछिए इसने कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी, और दो साल लोग ले रेट निकालने का तरीका है ही हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारा 69 का। ओके 69 के बाद आती है हमारे पास 70 की बारी। तो 70 में क्या बोल रखा है, रोहित एंड अमन है, ठीक है। वो सॉरी हमारे पास 67 हुआ है ना, सॉरी 68 आएगा, अभी मैंने 70 बोल दिया, ठीक है। तो देखो 68 में क्या बोल रखा है कि द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। देखो क्यूब क्या होता है, जिसकी हर साइड बराबर होती है, ठीक है, यही शेप होती है हमारे क्यूब की। तो इसका सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया 6 साइड का स्क्वायर, यही होता है। और इसने वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, ठीक है। वो हमारे पास 4096 है, और ये होता है हमारा 16 का क्यूब। तो साइड 16 आ गई, तो हम इसका सरफेस निकाल सकते हैं 6 × 16 का स्क्वायर, तो मतलब 1536, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 70 का, क्या देखा है, एक मिनट, इसमें हमने ना 69 को लेफ्ट कर दिया। देखो क्या है 69 का, एक पर्सन है वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, क्या इन्वेस्ट करता है, एक्स इन स्कीम ए, ठीक है। तो स्कीम ए में वो इन्वेस्ट करता है, फिर क्या बोला आगे इसने, एंड एक्स ए कंपाउंड इंटर 15.42, ये तो हमने कर ही लिया। अच्छा पहले हमने 69 कर लिया और 68 रह गया था, तो वो भी हो गया हमारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 70 का। तो 70 में क्या बोल रखा है, रोहित एंड अमन इन्वेस्ट करते हैं 6500 एंड एक्स। देखो रोहित है, एक अमन है, एक 6500 रुपये लगाता है, एक एक्स लगाता है, एक 18 महीने के लिए लगाता है, एक 14 महीने के लिए लगाता है। तो प्रॉफिट रेशियो उनका कहता है कि 10:7 आता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, तो कर देंगे इसको, तो हम सिंपल क्या, एक मिनट, हाँ 6500 × क्योंकि हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × x = 10/7, एक मिनट, हाँ 10/7। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 5850, ठीक है। नेक्स्ट है 71 का, द रेशियो ऑफ द कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πRh, ठीक है। मैनिपुलेशन में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh + r। तो इसका रेशियो हमारे पास है 2:3, और जो हाइट है ना वो हमारे पास 14 दे रखी है। तो इसको पुट करेंगे ना तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 7। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr², उसको πr² उसको हम यहाँ पे वैल्यू इसको पुट कर दें, क्योंकि r भी है और h भी है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आएगा। तो ये तो 68 वाला था, ठीक है, हमने किया अभी 70 वाला ये दे रखा। ओके ये किया है हमने, तो देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे, हाइट 14 थी पुट कर देंगे, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। फिर वॉल्यूम जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर देंगे वैल्यू, इसको हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 72 का। तो 72 में हमें क्या दे रखा है, एक कार है वो कवर करती है डिस्टेंस 13, 14, 18 घंटे 15 मिनट में। तो हम पूरे टाइम को ही पहले क्या करते हैं, आवर में चेंज कर लेते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे 15 × 6 = 18, 13 × 6 = 72, 73 / 4, ठीक है। 73 / 4 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सॉरी, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 m/s, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ देखो क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर है वो मार्क्स करता है एक आइटम को 3600, मतलब MP यहाँ पे 3600 है, 20% का डिस्काउंट देता है, तो SP आ जाएगा कैसे, 36/5, मतलब 4/5, तो वो आ गया हमारे पास 2880। फिर कहता है उसे प्रॉफिट होता है 7.14%, वैसे देखो 14.28% 1/7 होता है, तो ये इसका कितना आधा है, तो मतलब ये कितना 1/14 की वैल्यू होगी, कौन सी 7.14, तो ये क्या हो गया, ये 15 की वैल्यू था, मैं तो 14 की मल्टीप्लाई 14, तो हमारे पास आंसर हो गया 2688, ठीक है। इसके आंसर देख लेते हैं अभी, देखो ये 72 वाला है जिसमें मेरे पास डना डिस्टेंस था, टाइम था, पहले हमने उसको आवर में चेंज किया, फिर इससे डिवाइड किया तो किलोमीटर पर आवर में था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारी ट्रिक होती है 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हमने कर दिया था, यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से, मार्क प्राइस दे रखा था, सेलिंग प्राइस निकाले क्योंकि डिस्काउंट घटा दिया,
और कॉस्ट प्राइस क्योंकि प्रॉफिट दे रखा था, क्योंकि और जो जो मतलब 7.14% था ना वो हमारे पास 1/14 के बराबर होता है, तो यहाँ से हमारे पास सीपी आ गया, ठीक है। क्योंकि 14 अगर हमारे पास सीपी है तभी तो एसपी 15 होगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो 15 की वैल्यू ही थी हमारे पास, इससे डिवाइड कर दिया, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सीपी आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 74 का, तो क्या दे रखा है, एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ 38 बॉय डिक्रीज हो गया 44 केजी से 43 केजी। देखो 38 बॉयज का पहले एवरेज था 44 केजी, अब कहते हैं दो बॉय है ना वो नए आ गए, तो मतलब हमने मान लिया उनका 2y है, ठीक है। तो बॉयज कितने हो गए भाई, 38 थे अब 40 बॉयज हो गए, तो एवरेज घट गया मतलब 43 केजी हो गया, तो यहाँ से हमने जब सोल्व किया तो वाई की वैल्यू आ गई 24, ठीक है, कि जो नए बच्चे आए हैं उनका एवरेज वेट कितना है 24, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ ये, तो देखो ये ओल्ड का था 38 मल्टीप्लाई 44 करने के बाद, ये नए का मान लिया 2, मतलब वाई मानना टोटल बाय वेट और 2 जैसे वो बॉयज आए नीचे टोटल बंदे और ये इधर, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया तो वाई की वैल्यू 24 आएगी, हम इसको सोल्व ऐसे करेंगे, ठीक है, देख सकते हो आप इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 76 में क्या दे रखा है, 16 मैन है 12 वुमेन है, 16 मैन 12 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो सेम काम को 10 मैन है ना 25 दिन में, क्योंकि काम बराबर है तो हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से जो कट रहा था जो 10 से 10 कटा हमने काट दिया, तो यहाँ से वुमेन और मैन का जो रेशियो हुआ हमारे पास आ गया 3/4। टोटल वर्क निकाल सकते हैं किसी एक में भी, मैन की या तो वैल्यू पुट या वुमेन मैन की पुट कर दो, तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा भाई, 10 मल्टीप्लाई इन 4 एफिशिएंसी और 25 की रेट से। अब 16 वुमेन करेंगे, वुमेन की एफिशिएंसी थी 3, तो इस यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.83। दिखा देती हूँ मैं आपको, एक मिनट, तो देखो क्या है, यहाँ पे हमें दे रखा है ये, इसकी इक्वेट किया क्योंकि टोटल वर्क बराबर है, तो वुमेन मैन का 3/4 रेशियो है एफिशिएंसी का, टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क को 16 वुमेन अपनी अपनी एफिशिएंसी से कर रही थी, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, तो 77 में हमें क्या दे रखा है, एक आदमी है वो रन कर रहा है एट स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड उसकी एक्स किलोमीटर पर आवर है, और वो नेक्स्ट स्क्वायर के 2 चक्कर लगाता है, तो स्क्वायर की साइड है 189, ठीक है। तो पैरामीटर की तो चक्कर लगा रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ पैरामीटर कितना हो जाएगा भाई, 4 मल्टीप्लाई 189 क्या होता है पैरामीटर, और तो 2 टाइम्स लगा, ये आ गया डिस्टेंस, और उसको वो कवर करता है 72 सेकेंड्स में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, स्पीड आएगी हमारे पास, लेकिन इसने तो हमें पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.6, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, हाँ देखो ये एक मिनट, हाँ ये हमारे पास स्पीड थी, ये स्क्वायर था, पैरामीटर नॉर्मल था इतना, लेकिन 2 टाइम्स था बोला था, उसको हमने टाइम से डिवाइड कर दिया 72 सेकेंड, तो स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में, लेकिन हमें तो उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दी थी, हमारा आंसर आ गया, ओके। तो ये था हमारा 77 का। अब 78 में क्या दे रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ अनीता एंड श्वेता, अनीता एंड श्वेता वो है 1 और 9 ईयर, फिर इसने बोला आफ्टर 5 ईयर, तो 5 ईयर बाद इसकी हो जाएगी 5/5 और इसकी कितनी हो जाएगी 14, ठीक है, ये एज होगी। अब आगे इसने बोला कि ना 5 साल बाद जो एज है ना श्वेता की वो 40% है अनीता का, श्वेता की एज मतलब इसकी 10 है तो इसकी 4 होगी, यही होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक दूसरे की इक्वेट कर सकते हैं, मतलब कि y प्लस 5/14 = 5/2, उसको हमने काट दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। देखते हैं अभी इसका मैनुअल, तो देखो ये प्रेजेंट थी, ये 5 साल बाद आई, और 5 साल बाद हमें रेशियो भी पता था 2/5, इसकी इक्वेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, y की वैल्यू 30 आ गई, ओके। नेक्स्ट करते हैं 79 में क्या करेगा, अजय इन्वेस्ट करता है x रुपीज़, ठीक है, 10% की रेट से 3 सालों के लिए, और 2 साल बाद उसे 33.60 इंटरेस्ट मिलता है, तो 2 सालों के लिए सी आई की रेट कैसे निकालोगे, 10 + 10 + 10 × 10/100 मतलब 21%, तो और ये इंटरेस्ट दे कितने के बराबर रखा, 3,360 के, तो यहाँ से हमारे पास पता चल गया कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, तो कितने किए थे 16,000, ओके। 79 का हो गया, बातें हमारी 80 की, क्या कह रखा है कि एम और एन है ना वो बिजनेस में आते हैं, एक एक्स प्लस 800 रुपये लगाता है, एक एक्स माइनस 2,000 लगाता है, बाद में वो ना कहता है कि 7 महीने बाद वो ना कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट डालती, तो हमने मान लिया 12 महीने के लिए आई थी, फिर 7 महीने बाद इसने 400 लगाए, तो मतलब 5 महीने के लिए आए हैं इसके, इसने 1600 लगाए वो भी कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, और कहता है कि बाद में जो इन्हें प्रॉफिट हुआ है ना वो था 21,925,
और हमें ना एन का शेयर दे दिया, तो क्यू का कैसे आ जाएगा, टोटल में से एन का घटाएंगे तो ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको काट सकते हैं जो जो कट रहा है उसको, और उसको एक दूसरे की क्वेट रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 2900 अपॉन में 3x माइनस 4000, ये बराबर होगा जब 11825 और 10100 को हम काटेंगे ना, तो ये बराबर होगा 473 अपॉन में 404 के, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 14800, और हमें एम की इन्वेस्टमेंट पूछिए तो 14800 में 800 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15600, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो हमें ना ये बोला था कि एम इतने लेके आया, एन इतने लेके आया, फिर ये 12 महीने के लिए लेके आए थे, बीच में 5 महीने के लिए वो इतना लेके आए, ठीक है। तो जो जो कट रहा था हमने वो काट दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास है ना ये रेशियो अमाउंट आई इनकी, और यहाँ से ये बन गया रेशियो, और ये इतने उनके प्रॉफिट रेशियो आ रहा था, ठीक है। तो उसको हमने काट दिया जो कटा वो, ठीक है। तो काटने के बाद क्या हुआ, हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ गई, यहाँ से हमने इनको इक्वेट करके सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू 14800 आ गई। एम की इन्वेस्टमेंट पूछी थी तो वो थी एक्स प्लस 800, मतलब 14800 में 800 जोड़ेंगे तो 15600 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 81 में क्या बोल रखा है, पी क्यू आर ना एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 12800 15600 और 16400 होते हैं। देखो यहाँ पे टाइम कुछ बताया नहीं है, तो जो है ना इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही टाइम का रेशियो हो जाता है। जब हम इसको काटेंगे ना पी क्यू आर को, तो हमारे पास रेशियो आएगा 32x 39x और 41x। और बोला क्यू और आर का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो तो 1660 है, लेकिन एक्चुअल में तो 2x 2 है, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 830। प्रॉफिट पूछा है पी का, तो कितना होगा 32 से मल्टीप्लाई करने का आंसर आ जाएगा 26560, ठीक है। तो ये हमारे पास 26560 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। दिखा भी देती हूँ मैं आपको इसका आंसर, एक मिनट। हाँ देखो ये हमने किया, ठीक है, ये रेशियो आया और इन दोनों का डिफरेंस 2x था, लेकिन वो तो बोल रहा है 1660 है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा था 81 का, ठीक है। अब हम 82 का करते हैं, क्या दे रखा है 82 में हमें, 82 में हमें दे रखा है कि मंथली सैलरी ऑफ विक्की इज 87.5% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ विने, विक्की एंड विने इनका रेशियो 87.5% को आप क्या लिख सकते हो 7/8, ठीक है। कैसे, 50% प्लस 37.5% लिख सकते हैं सम उसको। तो यहाँ से हमने मान लिया 70x है, ये 80x है, और विजय बोला 120% है विक्की का, तो 70x का 120% मतलब 84x, ठीक है। अब विनय और विक्की का हमें बताना है, क्योंकि हमें ना जो विजय था उसका हमें दे रखा है 17220, तो 17220 हमारी वैल्यू है 84 के बराबर, इन दोनों का सम हम बता सकते हैं 70 और 84 कितना हो गया 150, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 30750, ठीक है। दिखाती हूँ मैं अभी आपको, देखो ये विक्की था, ये विनय था, 70-80 था, विजय 120% था, तो ये आया, लेकिन इसकी वैल्यू तो 17220 थी, ठीक है। तो यहाँ से हमने 17220 को 84 से डिवाइड किया, और दोनों का सम पूछा है विजय और विक्की का, विनय और विक्की का, तो हम बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि 87.5 को हमने कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, ओके, ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं हम 83 में क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर एक बैग को ना इतने बजे तक, कितने 5950 में 15% का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है तो यहाँ से मार्क प्राइस आ जाएगा, क्योंकि ये 85 की वैल्यू है, तो हमें तो 100 की चाहिए, मतलब 7000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसने बोला कि अब ना 40% अब अगर वो 40% अब होता कॉस्ट प्राइस करता है, तो कॉस्ट प्राइस की अगर ये 140 की वैल्यू है, तो हमें तो 100 की बता, नहीं तो आंसर आ गया 5000, ठीक है। दिखाती हूँ मैं 83rd, तो देखो 83rd में SP दे रखा था, डिस्काउंट था 15% का, मतलब ये 85 की वैल्यू थी, तो हमें तो 100 की निकाली थी, वहाँ से मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस बोला कि ये 40% अब कॉस्ट प्राइस, मतलब 140 की वैल्यू, तो हमें तो 100 की निकाली, तो 5000 हमारा आंसर आ गया। 84 में क्या दे रखा है हमें, एक बॉक्स है उसमें 26 रेड 14 ब्लैक 10 ब्लू पेन है, टोटल कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 50 पेन। अब इसने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पेन ड्रॉ किया गया है वो ब्लू ना, ब्लू के अलावा कितने बच गए रेड और ब्लैक, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 40, तो 40 अपॉन में 50 कर देंगे, मतलब जो जितने फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिखा भी देती हूँ मैं आपको, एक मिनट, हाँ सॉरी, टोटल, ठीक है, और जो फेवरेबल थे मतलब सिर्फ रेड और ब्लैक ले ले, क्योंकि ब्लू मना किया था, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास 84 का। अब बात आती है 85 की, क्या बोल रखा है 85 में, 85 में बोल रखा है कि एक शॉपकीपर है वो मिक्स करता है 72 kg राइस, मतलब 40 रुपये kg के हिसाब से 72 kg को,
और 54 रुपये केजी के हिसाब से 96 केजी को उनको मिक्स कर देता है और बेचता है 16.66% प्रॉफिट पे। तो हमने मान लिया एक्स सीपी था मिक्सचर का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस 40 अपॉन में 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, यही होगा। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 48, ये आ गया सीपी। तो हमें तो उसने किसकी वैल्यू पूछी है, एसपी की। तो सीपी 48 है और उसको 16.66% प्रॉफिट भी बेच रहा है, मतलब 1/6 = 7/8। तो यहाँ से एसपी आ गया 56, हमारा आंसर आ गया। ओके, दिखा भी देती हूँ मैं आपको, एक मिनट। तो देखो यहाँ पे हमें दिखा रखा है सीपी था पहले एक मिक्सचर का, दूसरे मिक्सचर का, हमने ओवरऑल मिक्सचर का मान लिया और ये उनकी क्वांटिटी थी जो कट रही थी, तो हमने काट भी दी 3-4 के रेशियो में, ये और भी जी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया और यहाँ से हमने किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 48, ठीक है, और ये सीपी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एसपी की पूछिए क्योंकि 16.66 हमारे पास क्या होता है 1/6। अभी हमें 86 का करना है। 86 में क्या बोल रखा है, एक बोट है वो 360 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, और 300-200 को अपस्ट्रीम में कवर करती है एक्स घंटे में। और इसने बोला है कि हमें क्या बोला इसने 86 में बोला कि द रेशियो स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट 2:1 है। तो हमने मान लिया एक्स या वाई कुछ भी मान लो, तो हम इनका सम से डिवाइड कर सकते। और इसने है ना अपस्ट्रीम स्पीड भी दे दी 40। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट प्लस करंट का डिफरेंस, लेकिन वो तो डिफरेंस उनका वाई आ रहा है, मतलब वाई मान लो एक्स यूनिट्स में मानना था, तो वो आ गया कितने के बराबर, 40 के बराबर। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 360 अपॉन में, भाई दोनों का सम था तो उससे आ गया 120 और 200 डिवाइड बाई 40। तो यहाँ से 8 आंसर आ जाएगा, दिखा देती हूँ आपको। हाँ देखो 86 में कैसे क्या दे रखा है हमें, ठीक है, हमें ना उसने दिए थे 360 और 200, एक बार अपस्ट्रीम से एक बार डाउनस्ट्रीम से, और एक्स घंटे से लग रहे थे, ठीक है, यही बोला था। और इसने हमें क्या दिया था कि स्ट्रीम और बोट है उसका रेशियो, हमने 2y और 1y मान लिया था, लेकिन है ना अपस्ट्रीम भी दे दिया था। तो अपस्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम और बोट का डिफरेंस वो क्या वाई, तो वाई है तो उसका डिफरेंस कितना वाई के बराबर आ गया, मतलब 40। तो हमने क्या किया 40 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 8, ठीक है। तो ये था हमारा 86 का। तो 87 में क्या आता है, 87 में हमें दे रखा है कि प्रेजेंट एज ऑफ दिव्या एंड नव्या, दिव्या है नव्या है, उनकी प्रेजेंट एज है x+5 x+9y और उनकी एज 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, 8+13 और 9+18, ठीक है, और इनका रेशियो भी दे दिया 6-7। तो हम क्या करेंगे, जब इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11 और हमें दिव्या की एज पूछी 7 साल पहले, तो प्रेजेंट एज आ जाएगी पहले तो दिव्या की 11+5=16 में इससे घटा दो 7, मतलब 9 साल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 88 में क्या दे रखा है हमें, 88 में दे रखा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है, यही होता है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2lb + bh + hl, ये हमारे पास 1332 दे रखा है। और इसने हमें ना लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिए हैं, कैसे, इसने हमें बताई है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्या बताई है वो इसने बताई है 6x 5x 4x, तो वही मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो आएगा 30x² + 20x² + 24x² = 1332। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 3। अब इसने पूछा है कि जो क्यूब है ना उसकी जो साइड है वो जो लेंथ है उसका 2 कम है, मतलब लेंथ 18 में 2 मतलब 16, और इसका क्यूब पूछा वॉल्यूम क्या होगा क्यूब साइड का, तो ये आ गया 4096, ठीक है। 88 के बाद आता है 89 का। तो क्या बोल रखा है 89 में भी, 8900 इन्वेस्ट किए गए x% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 सालों के लिए, ठीक है। तो x% की रेट से हमारे पास कैसे x + x + x × x/100 यही बनाएंगे, मतलब 2x + x²/100% यही बनता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि 8900 इन्वेस्ट किए हमने 2x + x²/100% की रेट से, तो वहाँ से इंटरेस्ट आया 18। तो हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया यहाँ से x की वैल्यू 10, ठीक है, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उससे आगे एक्स वैल्यू 10। तो ऐसा ही पूछा है, उसको हम निकाल देंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम, तो 1602 आंसर आ जाएगा, दिखाती हूँ मैं। देखो ये तो 87 है, ये 88, अगर वहाँ से थोड़ा समझना है तो यहाँ से देख सकते हो। बात आती है 89 की, कि उसने 8900 x% की रेट से 2 सालों के लिए लगाए थे, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 2 सालों के लिए जो रेट थी वो इतने परसेंट हो गई, मतलब ऐसे निकाल सकते हो रेट,
सक्सेसिव फॉर्मूला से, तो इसके बराबर क्या, यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बने, इसको सोल्व किया था एक्स की वैल्यू आ गई 10। अब का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो ये था 89 का। अब बात आती है 90 की, ठीक है। तो 89 तक हमारे हो गए हैं, तो 90 में क्या दे रखा है हमें, 90 में हमें दे रखा है कि P है ना अकेला x प्लस 4 डे में काम करता है, Q अकेला उसको x प्लस 10 डे में काम करता है, P प्लस Q है ना टुगेदर उसको 80/3 दिन में पूरा करता है, वो अल्टरनेटिवली मतलब पहले P फिर Q फिर P फिर Q ऐसे करते हैं। तो और ये बोल रखा है P है ना वो 25% ज़्यादा, अगर ये किए हैं तो ये इससे इतना ज़्यादा इफ़िशियंट है, यही बोल रखा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस 4 P का है, लेकिन वो तो उससे कितना ज़्यादा इफ़िशियंट है, 12.5 मतलब सॉरी 1.25, क्योंकि 25.1 मतलब इससे, और ये किसके बराबर, क्योंकि जो क्या है x प्लस 10, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है हमारे पास 20। तो इसने बोला क्यों कितना टाइम लेगा, तो क्यों कितना लेता है, क्यों लेता है x प्लस 10, तो 20 प्लस 10 मतलब 30, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 का। 91 में दे रखा है द लेंथ ऑफ ए 5 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर कर्टेन। देखो ये एक रेक्टेंगुलर कर्टेन है, 5 मीटर वाइड है, 12 इसकी लेंथ है, रेशियो बताना है, पैरामीटर क्या होगा 2l प्लस बी मतलब 12 × 5 = 17, और इसका डायगोनल क्या होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है डायगोनल। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं ना, तो यहाँ से हमारे पास आता है ये 34/169 रूट में आएगा, मतलब 34/13, ठीक है। बाद में दिखाती हूँ मैनुअल, पहले कर लेते हैं थोड़ा। 92 में क्या देखा है हमें, 92 में क्या देखा है हमें, एक अकील है ना एक शर्ट को बाई करता है 910 में, तो शॉपकीपर ने उसे बेची 910, मतलब शॉपकीपर के लिए तो एसपी और अकील के लिए वो सीपी है, और शॉपकीपर इस पर ना 16.67% का प्रॉफिट कमाता है, तो सीपी आ जाएगा ना यहाँ से 910 है 16.67 मतलब 1/6, तो ये तो 7 की है, हमें तो 6 की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इसको सोल्व करें तो यहाँ 780 है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 780 और 910 का डिफरेंस कितना है 130, ठीक है। 93 क्या दे रखा है, ऑन संडे एक पर्सन ना 4500 स्टेप लेता है 36 पर स्टेप के हिसाब से, तो 4500/36 ये इसकी स्पीड आ गई संडे को, मंडे को वो 5600 स्टेप लेता है 36 - x की स्पीड से, तो रेशियो टाइम का बताया कि देखो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम मतलब स्पीड करते हैं तो टाइम ही आता है, तो हम यही कर लेते हैं 5600 और ये मतलब एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं 36 - x, तो इसका टाइम हमारा था 5/7 के बराबर। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब मैं दिखाई देती हूँ मैनुअल आपको एक मिनट। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो ये तो 91 का है, ठीक है, जो रेक्टेंगल के फॉर्म में दिया था उसका पैरामीटर और डायगोनल का फॉर्मूला, क्योंकि डायगोनल का होता है अंडर रूट l² + b². ये 92 का कि अखिल के लिए तो सीपी था, लेकिन वो शॉपकीपर के लिए एसपी था, और वो सीपी प्रॉफिट कमाता है 16.67% मतलब 1/6, तो वहाँ से हमने इसको सोल्व कर दिया। अब बात आती है 93 की। तो देखो वो ना 36 स्टेप चलता है संडे को और 36 - x करता है मंडे को, तो टोटल जो है ना हमें वैल्यू बतानी है एक्स की, ओके। तो देखो टोटल टाइम का जो रेशियो हमें वो भी दे रखा है 5-7, तो हमने क्या किया, इसका जो रेशियो था टाइम का मतलब 4500 डिवाइड बाई 36 मतलब जो स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम आएगा, और 5600 डिवाइड बाई 36 - x करेंगे तो उसका टाइम आएगा, ठीक है। तो दोनों का टाइम का रेशियो 5/7 था, इसको हमने स्क्वेयर किया, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब 94 कर लेते हैं। 94 में हमें क्या दे रखा है, 94 में देखा है मोहिनी इन्वेस्ट करती है एक अमाउंट, ठीक है, 24,000 की सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब तो यहाँ पे रेट और टाइम सेम बता रहा, हमने मान लिया एक्स ही रेट थी और एक्स ही टाइम था, तो उसे ना 15,360 रुपये मिलते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 64, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रखा है 95 में कि कैंडिडेट पवन एंड सुमन कॉन्टेस्ट करते हैं एक इलेक्शन में, 35% ऑफ द टोटल वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड। देखो हमने मान लिया टोटल 100x वोट थे, तो डिक्लेयर 35% मतलब 65x वैलिड है, और ना सुमन और पवन को है ना वो मिलते 3-2 के रेशियो में, तो हमने बांटा तो यह 39x और 26x। इसने बोल दिया कि ना दोनों का जो वोट का डिफरेंस है वो 520 है, मतलब इन दोनों का जो 39 और 26 का डिफरेंस है ना वो हमारा 520 है, ठीक है। तो इसका दोनों का डिफरेंस है कितना एक्स वैल्यू में, 13x, तो 520 के बराबर कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 40। इसने बोला इनवैलिड कितने थे, तो इनवैलिड थे 35, तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 1400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 96 का। देखो 56 kg ऑफ मिक्सचर में ना 75% वीट, एक तो 56 kg का मिक्सचर था उसमें वीट और राइस का रेशियो था 75 और 25, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये
42 और 14। एक दूसरा मिक्सर था 40 केजी का, उसमें वीट और राइस का था 18 और 22। कैसे आया 18 और 22, मतलब जो भी परसेंटेज है 45% एक बार निकाले और वो, ठीक है। अब इसके बाद बोल दिया इसने कि हमें दोनों का टोटल करके रेशियो बताना था, 42 प्लस 18 और 14 प्लस 22, ठीक है। तो इनका रेशियो आ गया हमारे पास 5 और 3, ठीक कट हो गए। तो मैं मैनुअल दिखा देती हूँ दोनों का। देखो 95 का मैनुअल तो ये रहा कि जो टोटल थे वैलिड और सुमन और पवन को मिले वो, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई और टोटल इनवैलिड इसने पूछा था। अब 96 में इसने बोला है कि देखो 56 था 40 था और वीट का और राइस का रेशियो था, तो 42-14 आया, यहाँ से 18-22 आया, दोनों का टोटल क्या रेशियो पूछा है इसने, हमने वो बता दिया, ठीक है। अब 97 की, तो 97 में हमें रेशियो मतलब सॉरी एज का दे रखा है कि राहुल है, मायरा है, एक्स वाई उसकी एज है। फिर बोला कि प्राची की जब बर्थ हुई थी ना तब राहुल और मायरा, प्राची उस टाइम पे जब 0 ईयर्स की थी ना तब राहुल और मायरा की जो एज का रेशियो था ना वो था 22 और 19, ठीक है, मतलब एक्स में मान लिया। लेकिन इसने तो बोल दिया कि इसकी एज तो 38 साल है, मतलब दोगुना, मतलब ये 44 साल है। 4 साल बाद जब प्राची हमारे 4 साल की होगी उस टाइम पे राहुल कितने साल का होगा, 48 साल का, और मायरा कितने हो गए 42। तो इन दोनों का जब हम रेशियो निकालते तो 8-7 आता है, ठीक है। तो हमें किसकी 3x और 2y की वैल्यू निकालनी है, तो 3x 2y किसने आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में भाई हमें ना वैल्यू निकालनी है किसकी, 3x की और 2y की, तो x की और y की हमारे पास है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकाल दें, ठीक है। तो ये हम भी हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो 97 हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो मैं पहले एक बार 97 ही दिखा देती हूँ, एक मिनट। तो देखो ये रहा 97, ये हमें एक्स वाई नॉर्मल दे रखा था, प्राची राहुल मायरा, ओके। और ये रहा कि जब मतलब जो बोर्न हुई थी वो 4 साल की होगी, तब ये राहुल मायरा होंगे, और इनका जो रेशियो है वो आ गया, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब 98 में क्या दे रखा है, 3 कॉलोनी है, एक्स वाई जेड रेशियो है टोटल नंबर ऑफ पीपल का 4, 5, 7। तो हमने मान लिया कि भाई 400x है, 500x है, 700x है, और इसमें 80, 75 and 25% मेल हैं, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 20%, ये होंगे 25%, ये होंगे 75%। तो क्योंकि फीमेल का ही पूछा तो हमने फीमेल निकाल ली, ये 80x आई, 125x आई, ये 525x आई, मतलब टोटल फीमेल तो आ रही है 730 और टोटल पर्सन थे 1600% पूछा था, तो यहाँ से निकाला 365/8, ठीक है। देख लेते हैं एक मिनट कैसे आया। तो देखो ये एक्स वाई जेड थे, ये टोटल पर्सन थे, फिर मेल निकाले, मेल को टोटल से घटाओगे तो भी फीमेल आ जाएगी, और या वैसे सिंपल परसेंटेज निकालो तो भी, ये टोटल फीमेल आई, ये टोटल पर्सन थे, तो 730 से 1600 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 आप कर दिए, तो आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 का, क्या दे रखा है ना, सॉरी 99 का, 98 हो गया हमारा। 99 में है कि 16 बॉयज़ हैं, वो 9 घंटे काम कर रहे हैं, देखो 16 बॉयज़, ठीक है, 9 घंटे काम करते हैं 10 दिनों तक, तो 40% मतलब 40x काम पूरा कर लेते, हमने 100x मान लिया। फिर कहते हैं 24 बॉयज़, ठीक है, 15 घंटे काम करते हैं डी दिनों तक, तो 60% बचा वो काम पूरा कर लेते हैं, तो डी की वैल्यू तो काटेंगे ना, तो यहाँ से डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। हंड्रेड्स क्या कहता है हमारा, एक बॉक्स है उसमें 5 रेड 8 ब्लू and 7 ब्लैक बॉल है, मतलब टोटल हमारे पास 12+x बॉल है। तो कहते हैं 2 रेड बॉल निकाली जाती हैं, तो टोटल में से भी 2 निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1/19 होती है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये क्या होता है, कम्बिनेशन होता है ना यहाँ पे, तो 5 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 2 नीचे था 2 ऊपर खोला, तो इसको भी 12+x और 11+x हो जाएगा, घट जाएगा 1/19 के इक्वल, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी, ठीक है। अभी इसको दिखा देती हूँ मैं एक मिनट। तो देखो ये रहे हैं हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो 99 वाला है MDH वाला भाई, और ये 100th वाला है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का, ओके। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।